तो यहाँ से शुरुआत होती है 7 दिवसीय कथा भागवत का आयोजन, जिसके पहले दिन के यजमान है मेरे मम्मा डैडी। तो प्रथम दिन सारी फीमेल्स को अपने सर के ऊपर कलश उठाकर मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगानी होती है, जिसमें सभी लेडीज को येलो कलर की साड़ी पहनकर ये परिक्रमा पूर्ण करनी होती है और उत्साहपूर्वक इस परिक्रमा को सभी लोग पूर्ण करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। देखा आपने, सभी फीमेल्स येलो कलर की ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये है हमारी कथा व्यास मोहिनी दासी दीदी, जिनके स्टॉल पर राधे राधे लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी कथा भागवत हमको सुनाती हैं। और मेन हॉल में एंटर करने के बाद हमारी आज की पूजा मेरे मम्मा डैडी के साथ प्रारंभ होती है। सो गाइज, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मंदिर काफ़ी प्यारा भी था और बहुत बड़ा भी था। मैं सेकेंड डे भी उपस्थित रही मंदिर के अंदर। सो गाइज, मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर कान्हा जी को कथा भागवत सुनाने के लिए और इनको व्यासपीठ पर विराजमान कर देती हूँ, जिससे कान्हा जी भी कथा भागवत का आनंद ले सकें। सब लोगों ने डांस कर बहुत आनंद लिया कथा भागवत का। तो ये सभी लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे के यजमान थे, जिनको आप अभी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आज हमारा फोर्थ डे ऑफ कथा भागवत एंड गाइस, आज हमारा कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। सो गाइस, यहाँ पर वासुदेव जी प्यारे से नन्हे कान्हा को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है और हमारे नन्हे से कान्हा जी के ऊपर बहुत सारी फूलों की वर्षा की गई। सो गाइस, आज है फिफ्थ डे एंड गाइस, मैं अपने मंदिर के कान्हा जी को डेली लेकर जाती हूँ उनको कथा भागवत सुनाने के लिए हरि मंदिर में। सो गाइस, ये है हमारा हरि मंदिर टेंपल एंड गाइस, हम अपने कृष्ण जी को लेकर चलते हैं मेन हॉल में, जहाँ हमारी कथा भागवत होती है। तो गाइस, मैं इनको व्यासपीठ पर बिठा देती हूँ, जिससे कि ये कथा सुनने का आनंद लेते रहें। As you can see, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया था और फिर उनको ले जाकर उन्होंने रुक्मणी जी के साथ विवाह कर लिया था। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पर रुक्मणी जी को साथ लेकर विराजमान हो गई हूँ और फिर सब लोग हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं।
फिर सभी लोग धीरे धीरे डांस का आनंद लेते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा राधा कृष्ण जी का डांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे गाइज मैंने इस डांस वीडियो को म्यूट इसलिए किया है क्योंकि गाइज कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और अगर आपको इस पूरी वीडियो को देखना है, पूरी डांस वीडियो को चेकआउट करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे सेकेंड चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, डैट इज़ स्वर्णिका राज डांस फीवर। वहाँ पर भी मैंने इस पूरी डांस वीडियो को डाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गाइज मिल जाएगा, आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। एंड गाइज आप मुझे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज स्वर्णिका राज डांस फीवर। नाउ गाइज यहाँ पर कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न होता है। नाउ गाइज विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोग आरती प्रारंभ कर लेते हैं। सो गाइज फाइनली मैं अपने घर पर आ गई हूँ एंड मैंने सारी ज्वेलरीज यहाँ पर उतार कर रख दी हैं। एक्चुअली काफ़ी सारा सारी ज्वेलरीज मैंने पहना था, तो मैं कृष्ण जी बनी थी, आपने जैसे कि डांस देखा होगा मेरा। तो गाइज अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो को, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो क्लिक द नोटिफिकेशन बेल सो यू कैन नोटिफाइड एवरी टाइम। सो गाइज यही था मेरा पूरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।